आज की वीडियो में हम लोग ए एन और द आर्टिकल के यूज के बारे में पढ़ेंगे कि ए एन और द का यूज कहाँ पर होता है। तो ए एन और द का यूज बहुत ही सिंपल है, इस वीडियो को बस पूरा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ए का यूज कहाँ होता है, एन का यूज कहाँ होता है और द का यूज कहाँ होता है। तो सबसे पहले इसको बनाने से पहले हमको इंग्लिश अल्फ़ाबेट के बारे में जानना पड़ेगा। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं? इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, जिसमें से 5 वोवेल्स होते हैं, 5 वोवेल्स होते हैं। 5 वोवेल्स का नाम क्या है? 5 वोवेल्स जो होते हैं, एक ए होता है, एक ई होता है, एक आर ई होता है और एक ओ होता है, एक यू होता है। इसको शॉर्ट में याद रख सकते हैं इस तरह से, ए ई आर ई ओ यू। इस तरह से 4-5 बार इसको रटना पड़ेगा तो ए ई आर ई ओ यू याद हो जाएगा। तो जो भी लेटर्स, जो भी वर्ड ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होता है वो वोवेल्स कहलाता है। और बाकी जो 21 लेटर्स बच गए, 26 में 5 वोवेल्स होते हैं, 26 बच गया, 26 कॉन्सोनेंट होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट होते हैं, 21। तो ए ई आई ओ यू के अलावा जितने भी लेटर्स होते हैं, जो हो गया बी सी डी ई नहीं होगा, एफ होगा, जी होगा, एच होगा, आई नहीं होगा, जे होगा, के होगा, एल होगा, एम होगा, एन होगा, ओ होगा, ओ भी नहीं होगा, पी होगा, क्यू होगा, आर होगा, एस होगा, टी होगा, यू यू भी नहीं होगा, भी होगा, डब्ल्यू होगा, एक्स होगा, कोमा वाई होगा, कोमा जेड होगा। ये सब क्या है? 21 कॉन्सोनेंट होता है। अब यहाँ पे पता चलेगा कि यहाँ पे कैसे यूज होता है। जैसे कोई भी लेटर है यार, जैसे एरोप्लेन, एक लेटर, एक वर्ड है एरोप्लेन। तो एरोप्लेन से पहले देखिए ए से स्टार्ट है तो यहाँ क्या लगेगा? एन लगेगा, एन एरोप्लेन हो जाएगा। उसी तरह से ए आर यू, आर से जैसे इंटेलिजेंट स्टार्ट होता है, इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट में क्या लगेगा? एन लगेगा, क्योंकि आई से स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट लेटर देखना है हमें, फर्स्ट लेटर अगर वोवेल से स्टार्ट हो रहा है तो उसे पहले एन लगेगा। जैसे ए हो गया, आई हो गया, अगर ए से स्टार्ट होगा जैसे एक होगा, जैसे एक होता है तो एक से पहले क्या लगेगा? एन लगेगा, क्योंकि ए से स्टार्ट है। तो ए आई हो गया, एक ओ से भी बना लेंगे, ओ से एक ऑन होता है या ऑनियन होता है, ऑनियन होगा। तो ये इससे पहले भी क्या लगा? एन ऑनियन हो जाएगा, एन ऑल हो जाएगा। इस तरह से एन ऑनियन लिख सकते हैं यहाँ पर, इस तरह से लिख सकते हैं। ए ई आई ओ, एक यू से बच गया तो अम्ब्रेला एक होता है, अम ब्रे ला। तो इससे पहले भी क्या लगेगा? एन लगेगा। ये तो एन वाला हो गया, ये एन वाला हो गया। बाकी यहाँ पे देखेंगे ए से कौन कौन सा लेटर स्टार्ट होता है। ए से, ए से ए किसमें किसमें लगेगा? देखिए अगर बी सी डी जो ए आई ओ यू के अलावा अगर दूसरे लेटर से स्टार्ट होगा तो वो क्या, उसके पहले ए लगेगा। देख लीजिए यहाँ पे कैसे लगेगा। जैसे एक बॉल लिखा हुआ, बॉल, तो बॉल बी से स्टार्ट हो रहा है तो इससे पहले ए लग जाएगा। ट्री, ट्री क्या है? पेड़ है, तो ट्री से पहले क्या लग जाएगा? ए ट्री हो जाएगा। इस तरह से कोई भी दूसरा वर्ड है, जैसे मान लो सी से स्टार्ट हो रहा है कैट, तो ए कैट हो जाएगा। मान लीजिए डी से स्टार्ट हो रहा है, डी से, डी ओ जी डॉग, ए डॉग हो जाएगा। उसी तरह मान लीजिए किसी से भी स्टार्ट होगा, मैन, एम ए एन मैन, तो क्या हो जाएगा? ए मैन हो जाएगा। इस तरह से ये तो ए का स्टार्ट हो गया। जो लेटर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा, कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट होगा, उससे पहले ए लग जाएगा। और जो लेटर ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होगा उससे पहले एन लग जाएगा। यहाँ पे मैं डिटेल्स में लिख के दिखा देता हूँ। तो अगर इसे आप कॉपी में नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आगे मैं बता देता हूँ।
यहाँ पे लिख दूंगा जो वर्ड वॉवेल लेटर से स्टार्ट हो, वॉवेल लेटर से स्टार्ट हो, स्टार्ट होता है उससे पहले एन का यूज करते हैं, एन का यूज करते हैं। और ये तो एक नंबर में हो गया वॉवेल का यूज। अब यहाँ पे देखते हैं ए का यूज, जो वर्ड कंसोनेंट लेटर से स्टार्ट होता है उससे पहले एन का यूज कर ए का यूज करते हैं, ए का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम दे सकते हैं ए फुटबॉल, और इसका एग्जांपल यहाँ पे हम लोग दे सकते हैं एन एप्पल। इस तरह से एग्जांपल हो गया। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे द का यूज कहाँ पे होता है। तो ए और एन का यूज पता चल गया कि ए का यूज कहाँ होता है। ए का यूज वही होता है जो लेटर वॉवेल से स्टार्ट होता है बस, और कंसोनेंट से जो लेटर स्टार्ट होगा उससे पहले ए लग जाएगा। तो ए का यूज होता है कंसोनेंट लेटर स्टार्ट होने से पहले। ये हो गया। अब इसके बाद द का प्रयोग देखिए, द का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। द का प्रयोग कहाँ होता है, यूज ऑफ द। द का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। द का प्रयोग एक खास व्यक्ति के लिए, खास वस्तु के लिए, कोई भी खास चीज हो उसके लिए यूज होता है। पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन, थिंग, हिस्टोरिकल बुक्स वगैरह, जो भी पर्टिकुलर चीज है उसके लिए द का प्रयोग होता है। द का यूज कहाँ होता है, पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर पर्सन प्लेस, पर्टिकुलर पर्सन हो गया, प्लेस हो गया, थिंग हो गया, या फिर अदर पर्टिकुलर वर्ड। अदर पर्टिकुलर वर्ड में यूज होता है। इसे अदर पर्टिकुलर वर्ड क्या हो सकता है, यहाँ पे देखिए अदर पर्टिकुलर वर्ड। अदर पर्टिकुलर वर्ड में आपका हिस्टोरिकल बुक्स आ सकता है, हिस्टोरिकल बुक आ सकता है, या हिस्टोरिकल प्लेस भी आ सकता है। हिस्टोरिकल प्लेस आ सकता है, रिलीजियस बुक, या रिलीजियस प्लेस आ सकता है। या फिर रिवर भी आ सकता है, तो रिवर हो गया, माउंटेन हो गया,
सी हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, ये सब कुछ पर्टिकुलर वर्ड है। पर्टिकुलर वर्ड यानी खास वर्ड है। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग देखते हैं, जैसे कोई पर्टिकुलर पर्सन हो गया, पर्टिकुलर पर्सन जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, द नरेंद्र मोदी, तो उससे पहले हम लोग क्या लगाएंगे, द लगाएंगे, द महात्मा गांधी, द महात्मा गांधी, इसी तरह यूज करते हैं कोई पर्टिकुलर पर्सन के लिए, द महात्मा गांधी, द सरदार वल्लभ भाई पटेल, इस तरह से। पर्सन हो गया, प्लेस, कोई प्लेस दिया हुआ जैसे ताजमहल, तो ताजमहल से पहले क्या लगाएंगे, द ताजमहल, द ताजमहल। पर्टिकुलर पर्सन हो गया, प्लेस हो गया, कोई थिंग दे दिया है, कोई थिंग भी, कोई वस्तु भी दिया हुआ, कोई पर्टिकुलर कोई खास वस्तु है, तो उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। या अदर पर्टिकुलर वर्ड, अदर पर्टिकुलर वर्ड में देखिए हिस्टोरिकल बुक्स, कोई हिस्टोरिकल बुक्स है, द हिस्टोरी यूज कर सकते हैं, हिस्टोरी। द रिलीजियस बुक, अगर कोई रिलीजियस बुक है या कि रिलीजियस प्लेस है, कोई धार्मिक स्थान है, तो द टेम्पल यूज कर सकते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे धार्मिक स्थल है उसके बारे में यूज कर सकते हैं। माउंटेन, तो माउंटेन भी क्या आता है, द माउंटेन यूज कर सकते हैं, द रिवर यूज कर सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं जो खास चीज है, द सी, द न्यूज पेपर, द रिलीजियस प्लेस, इस तरह से यूज कर सकते हैं। द बुक, कोई भी बुक हो गया, द मैथमेटिक्स बुक्स, इस तरह यूज कर सकते हैं। तो द का उपयोग यहाँ पे करते हैं, जो खास व्यक्ति होता है, खास वस्तु होता है, उसके लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे आज की वीडियो में आप लोग देखें कि ए एन द का प्रयोग कहाँ होता है। तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि कोई भी लेटर, अगर कोई भी वर्ड अगर वोवल से स्टार्ट हो, ए या ई हो उसे, तो उससे पहले एन लगा देंगे। कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा तो उससे पहले ए लगा देंगे। अगर कोई पर्टिकुलर वर्ड होगा, कोई भी पर्टिकुलर वर्ड, जैसे यहाँ पे हिस्टोरिकल बुक, प्लेस, रिलीजियस बुक, जो भी पर्टिकुलर लगेगा, तो उससे पहले द का प्रयोग कर देंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो इस प्रकार की अगर रेगुलर वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा तो सीधा नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा।